नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। वैसे तो अब तेज तर्रार क्रिकेट होने लगा है, कोई भी स्कोर अब सेफ नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी T20 में अगर 180 रन से ऊपर का स्कोर हो तो समझ सकते हैं कि हाँ, ये स्कोर जीत का स्कोर हो सकता है। अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू होने वाली है, लेकिन एक अभ्यास मैच के में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को ऐसी धूल चटाई और उसके हीरो रहे कोलिन मुनरो, जो इस अभ्यास मैच में टीम की कप्तानी कर रहे थे। कोलिन मुनरो को आप सब लोग जानते होंगे, T20 के बादशाह माने जाते हैं, बहुत तेज तर्रार शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं T20 में। तो कोलिन मुनरो ने एक ऐसा कारनामा कर दिया, दरअसल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस अभ्यास मैच में 180 से ऊपर का स्कोर बनाया था। उसका पीछा करते हुए जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो कोलिन मुनरो का धमाका देखने को मिला। कोलिन मुनरो ने सभी बल्लेबाजों को जमकर धोया और केवल 57 गेंदों पर 107 रन ठोक दिए। खास बात यह थी इस पारी में कि उन्होंने केवल 78 रन तो 16 गेंदों पर बनाए, उन्होंने 7 छक्के और 9 चौके इस पारी में लगाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेज पारी कोलिन मुनरो ने खेली होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि 180 से ऊपर का स्कोर था और उसमें जब चेज कर रही थी न्यूजीलैंड की अभ्यास करने वाली टीम, तो केवल नौ गेंद बच गई थी। 9 गेंद शेष रहते हुए उन्होंने इस स्कोर को, इतने बड़े स्कोर को चेज कर लिया। अगर 200 रन भी होते तो शायद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज उसको भी चेज कर लेते। और कोलिन मुनरो सबसे बड़ी बात यह थी कि नॉट आउट रहे। उन्होंने अनारू किचन, जिन्होंने 48 रन बनाए, उनके साथ अभिजीत 138 रन की साझेदारी की और इस साझेदारी की बदौलत इतनी तेज़ गति से रन बनाए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने और इंग्लैंड को हरा दिया। वैसे कोलिन मुनरो की अगर मैं बात करूं तो कोलिन मुनरो अपने एक चीज़ के लिए और जाने जाते हैं, T20 में कोलिन मुनरो के 3 शतक हैं। ये पहला शतक उनका, ये तो अभ्यास मैच का शतक था, इसको ये तो काउंट नहीं होगा, लेकिन कोलिन मुनरो 3 शतक T20 में लगा चुके हैं। उनसे आगे केवल दुनिया में रोहित शर्मा हैं जिनके 4 हैं। तो अभी 5 T20 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, उसके बाद में 2 टेस्ट मैच भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खेलेंगे, लेकिन अगर इन 5 T20 मैचों में कोलिन मुनरो 1 शतक लगा लेते हैं तो वो रोहित शर्मा के बराबरी कर लेंगे, और अगर वो 2 लगा देते हैं तो रोहित शर्मा से आगे निकल जाएंगे। और जिस तरह की फॉर्म में कोलिन मुनरो अभी दिख रहे हैं, हो सकता है वो ये कारनामा कर भी दें, क्योंकि कोलिन मुनरो जब अभ्यास मैच में शतक लगा सकते हैं तो बिल्कुल जिस तरह की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो 5 टेस्ट मैचों में अगर वो 1 शतक भी लगा लेते हैं जो उनसे उम्मीद की जा रही है न्यूजीलैंड की टीम से, तो वो रोहित शर्मा की बराबरी कर सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी क्या वो रोहित शर्मा की बराबरी करते हैं या फिर रिकॉर्ड तोड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे जिस तरह से क्रिकेट आजकल T20 खेला जाता है, कोई भी स्कोर सेफ नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।